हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी मैं रूम से निकला हूँ। रूम से निकल के मैं जा रहा हूँ मट्ठी लेने। मट्ठी लेने कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ जूस पीते हैं ना, वहां पे एक बड़ी सी मट्ठी है, नमकीन, बढ़िया टेस्टी है। वो मट्ठी लेने के लिए जा रहा हूँ। वो टेस्टी लगी थी तो रगड़ गया। एक ही लेके आया था, वही रगड़ गया भाई सारे सारे। मैंने कहा कि नहीं, अब बढ़िया मट्ठी लेनी चाहिए। तो इस हिसाब से अभी चलते हैं मट्ठी लेने के लिए। लिफ्ट खुल गया भाई। बहुत रेयर चांस होता है कि हम लॉबी से आते हैं, बहुत रेयर, वरना नीचे उतरते हैं, नीचे से निकल जाते हैं। लेकिन अभी जो टेस्टी चीज़ है भाई, वो तो खानी पड़ेगी ना, उसके बिना तो मन नहीं लगता। वो सच में यहाँ टेस्टी थी, वो सच में बढ़िया थी। ओए होए हीट, अब लेकिन उतनी हीट नहीं है भाई। और यार मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था आपको। आपने मेरा जो लास्ट व्लॉग देखा होगा ना, वो आपने देखा होगा, ऊपर बॉर्डर पे और नीचे बॉर्डर पे ना ग्रीनरी सी आ रही है, और बीच में मतलब मैंने कुछ ऐसे ऐसे शूट लिए हैं जो बड़े गंदे हो गए हैं। और मैं बता दूँ, मैं शूट कर रहा था आईफोन 15 से, मेरा नहीं है, से शूट कर रहा था 15 से। तो मैंने कहा कि देखता हूँ कैसी आती है। वैसे वीडियो अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है, लेकिन यार दिक्कत क्या आ रही है इसमें ना, ऊपर मतलब वीडियो पूरी ख़राब हो रही है। एक अच्छा शॉट लिया मैंने, मेरे को नहीं पता लगा, एडिटिंग में नाश बच गया उसका, वो काटना पड़ा। और फिर जो जो मतलब ऊपर नीचे बॉर्डर थे, वो फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं जैसे भी है। वो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो मैंने कहा एक बार बता दूँ आपको कि ये दिक्कत फ़ोन के अंदर ही आ रही है 15 में। और मेरा दिल था 15 लेना नहीं है। हम पहुंच गए हैं, ये देखो इस जूस वाली शॉप पे, ये वाली मट्ठी लेनी है, टेस्टी सी मट्ठी है। तो पता नहीं यार ये एप्पल वाले कब तक सॉर्ट आउट कर गए, मेरे को नहीं पता। शायद ये 14 में भी आ रहा हो, 14 में भी दिक्कत आ रही हो। 14 तो मेरा ख़राब ही पड़े ना, तो इसलिए 15 से शूट हो रहा है। तो देखो अगर एप्पल वालों ने ये हटा दिया तो भाई अच्छा हो जाएगा, वरना मैं कैमरे से शूट करूँगा, वही GoPro से शूट करूँगा भाई। बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, और हेडफोन भी एप्पल का नासी बजा पड़ा, और 15 का भी ख़राब हो गया। चलो भैया एक मट्ठी दे दो यार, वो वाली बड़ी टेस्टी थी आपकी मट्ठी। ये रही मट्ठी भाई, जो भी यहाँ पे आए रुके कहीं इधर भाई, यहाँ पे आ जा करे बंदा, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है भैया। ये पैक कर दो, 2-3 पैक कर देना। कितने की है एक वैसे? 1 dirham की है। 4-5 पैक कर दो। हाँ मेरे को पता नहीं था कितने की, मैंने जूस के साथ पी थी भाई ये। भाई भैया के पास समोसे, पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, मठियाँ, सब कुछ है बढ़िया। और भाई फ्रेश जूस मिलता है, और आपने देख लिया होगा घर से कितनी दूरी पे है, 1 सेकंड लगता है। रोज़ आता हूँ मैं यहाँ पे, आज तो खैर खाना खा लिया भैया, नहीं तो जूस पी के जाता आज भी आपसे। 5 पैक कर देना। नहीं जूस मैंने खाना खा लिया आज भैया। भैया कह रहे जूस नहीं, मैं भैया आज तो खाना खा लिया, नहीं तो आता था मैं मोस्टली, कभी शाम कभी दोपहर को आ जाता था, कल जैसे दिन में आया था। ठीक है भैया जी, थैंक यू। देखा कितनी जल्दी अपना काम भी हो गया। आज मौसम थोड़ा ठीक हो रखा है, आज हम जल्दी उठ गए ना इसलिए। और आज की एक्टिविटी देखते हैं भाई, मौसम पे डिपेंड करती है। आज मैं बोल सकता हूँ हम रेडी हैं, चलो हम निकलते हैं। किसी का पता लग रहा नहा गया नहीं, नहा गया मैं तो मुंह बिंद होया अभी। मैं कहा चल वाटर पार्क पे जाना है, आपको दिखाते हैं। लास्ट टाइम गए थे भाई, इतने मजे किए थे ना। आज हमारे पास पूरा दिन है वहां पे, आप 4 दिन भी चले जाओ ना तब भी सारी राइड्स नहीं ले सकते, इतना बड़ा वाटर पार्क है वो। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर पार्क शायद वही है। बाकी बताते हैं, चलते हैं मॉल के बीच में से निकल के जाना है, ऐसे जाएंगे निकल के। चलिए फिर, चलो आ जाओ। 15 से शूट कर रहा हूँ मैं, भगवान करे कुछ दिक्कत ना आए इसमें यार, क्योंकि मैं सारा का सारा शूट करता हूँ। मेरे को काफी क्लिप्स ना काटनी पड़ गई हैं, कई मॉल की हैं, कभी कोई कहीं की काटनी पड़ी, क्योंकि ना एक बैकग्राउंड पे अलग सा बॉर्डर बना देता है, और छोटी सी वीडियो बनाता है उसमें भी ना क्रेन आनी शुरू हो जाती है। तो यार आज ऐसा कुछ ना हो, जैसे ऊपर और नीचे ग्रीनरी आती है ना, उसको मैं संभाल लेता हूँ, वो मैं एज इट इज डाल देता हूँ कि आप देख लोगे। लेकिन यार वो जो दूसरे वाली क्लिप खराब होती है ना, वो नहीं डाली जाती। तो चलो अब रेडी है, इसी से शूट करूंगा मैं वहां पे। वैसे इसको कवर करने के लिए देते हैं। ये देखो ये जो पेड़ देख रहे हो ना आप, ये वाले, ये फूल, वाइट फूल वाले, ये अपने इंडिया में होते हैं। मेरे को लग रहा है इंडिया से तो इम्पोर्ट करवाए, ये दूध निकलता है इनमें से। बात यहीं पे कर दी है, लास्ट टाइम इस खोपड़ी के साथ फोटो खिंचवाई थी, यहाँ पे कहीं चेयर भी होगी तगड़ी थी। और वाटर पार्क स्टार्ट हो गया आगे, लास्ट टाइम इतनी भूख लगी थी ना हमें वाटर पार्क के बाद। हमने यहाँ पे बैठ के बर्गर खाया था विदाउट अनियन गार्लिक, इतना बड़ा बर्गर था, मज़ा आ गया था आके वो। अब भाई हम इसी कपड़ों में आके यहाँ पे, हमें कोई ऐसा घूर के नहीं दिख रहा कि हम थोड़े यूनिक से लग रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे नंगे आ जाओ यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। चलो भाई यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी वाटर एक्टिविटी, लेकिन पहले लेनी है टिकट्स, उसके बाद हम ज़्यादा ताम झाम लेके नहीं आए। लेकिन लॉकर तो फिर भी लेना पड़ेगा, ये टिकट के बाद लॉकर में भी लूटते बहुत हैं भाई। एक दिन का है 295 और अपनी आएगी 335 की, एक दिन की टिकट है ये। बस टिकट थोड़ी महंगी है, और अंदर जाके जो लॉकर वगैरह लेने हैं ना वो भी महंगे हैं, और फ़ोन को एक केस में रखेंगे वो भी महंगा है भाई। बताता हूँ अंदर चल के बताता हूँ।
और हम यार थोड़ा एक दुकान पे रुक गए थे, मेरे को शूज़ बहुत पसंद आ रहे थे और पता है मेरी कमजोरी है शूज़ में देखने के लिए रुक गया था वहीं पे, आधा पौना घंटा लग गया जाते हुए, फिर लेट हो गए हैं हम। जो नॉर्मल है टिकट्स उसमें हमें लगना पड़ेगा लाइन में, और बंदा कह रहा है अंदर भीड़ बहुत है, आप फास्ट वाली ले लो जिससे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बस लाइन यहाँ होगी आप जाओगे वी आई पी की तरह और सीधा स्लाइड करोगे अपनी। चलो पूछते हैं कितने की टिकट। ओहो ये तो काउंटर क्लोज है, तो रोटी खाने चला गया भाई, यहाँ से पूछते हैं। हमने बहुत ही गूढ़ अध्ययन किया इस पे कि हम नहा के भी नहीं आए हैं और आधे नंगे होके आ गए हैं, तो क्या किया जाए, दो घंटे इसमें वेस्ट करने से अच्छा है पैसे, पानी में तो जाना ही है तो होटल के स्विमिंग पूल में कूदेंगे आज, हम वहाँ पे भी तो नहीं गए, यहाँ पे हम आ जाएंगे एक दो दिन में देखते हैं, क्योंकि यार मेरे को लगता नहीं है कि पर हेड 400-450 दिरहम देना दो घंटे के लिए जायज़ है, नहीं यार जायज़ नहीं है। हाँ अगर सुबह आ जाएंगे 10 बजे फिर जायज़ है, क्योंकि पूरा दिन मस्ती कर पाएंगे यार, बहुत बड़ा पार्क है ये, इसमें 3-4 जगह अलग अलग स्लाइड्स हैं, अलग अलग एडवेंचर है, तो यार दो घंटे में नहीं कर पाएंगे, दो घंटे में तो एक भी पूरा नहीं होगा, तो इसलिए डिसाइड यही हुआ है कि निकलो यहाँ से, नहाए तो है ही नहीं हम यार, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, मेरे को लगा यार 7 बजे तक है, वो दिमाग से निकल गया 5:30 ही बंद हो जाता है अपने साथ ना, ऐसे ही होता है हमेशा, मैं तो कहीं भी जाता हूँ ना करते ही हैं कुछ ना कुछ तो कांड। चलो कोई बात नहीं, बर्गर खाने के लिए बैठ गए, इनके बर्गर बहुत बड़े बड़े होते हैं तो बर्गर खाएंगे उसके बाद निकलते हैं। फिर कल की टिकट ले ली है, और एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं, कल की हमें पड़ रही थी 385 की, 385 दिरहम की, और सॉरी आज की पड़ रही है हमें 385 की, और कल की पड़ेगी 100 दिरहम कम 285 की, तो भाई फ़ायदा हो गया, कोई बात नहीं पेट्रोल लगेगा थोड़ा सा, आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन कल सुबह आ जाएंगे अर्ली मॉर्निंग बिना नहाए, ठीक है। अब बर्गर लेने गया, इतने में हमारा प्लान चेंज हो रहा है, वो भी रस्ते में बताता हूँ, फाइनल प्लान बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, क्या होगा अपना आ गया बर्गर, ये देखो कितना बड़ा है और विदाउट अनियन, मैंने टेक अवे करवा लिया यार, इतना बड़ा बर्गर है ना वो खाया भी नहीं आता था, और पेट ऑलरेडी फुल था, बस टेस्ट के कारण ले लिया था, टेक अवे करवा लिया, थोड़ा जब जाएंगे कहीं तो खा लेंगे, शाम को खा लेंगे। और यहाँ पे भाई कल तो आना ही पड़ेगा, कल की टिकट बुक करवा ली है यहाँ पे, कल फाइनल है, यहाँ पे लास्ट टाइम फोटो और वीडियो बनवाई थी और अंदर भी गए थे, अंदर कुछ नहीं है यार, मछलियाँ अलग अलग टाइप की, अलग अलग किसी का इधर से मुंह निकल रहा है, किसी का इधर से मुंह निकल रहा है, खोपड़ा नहीं है यहाँ पे, खोपड़ा था भाई वहाँ पे हमने बनाई थी अच्छी थी। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, कोई काम नहीं बना हमारा, बस खाना खाया वो भी आधा, इसको पैक करवा लिया है। अब जो प्लान बना है, अभी होटल नहीं जा रहे हैं, अब हम कर रहे हैं पैरासीलिंग, तो अभी एक दो घंटा बीच में हमारा पैरासीलिंग, याद है बीच में जो मेरे पूरा ये सीरीज देख रहा होगा दुबई की, हमारी बीच में ना पैरासीलिंग छूट गई थी बिकॉज ऑफ गोप्रो, आज गोप्रो भी है साथ में, तो पैरासीलिंग करने चलते हैं, 15-20 मिनट में वो हो जाएगी, उसके बाद होटल चलते हैं। तो यहाँ पे हम सोच रहे खिड़की नहीं है, ये रही खिड़की, यहाँ से सांस आता है सबको, नहीं नहीं मजाक कर रहा था, यहाँ से थोड़ी आता सांस तो यहाँ से आता है। यहाँ पे टी शर्ट है सिग्नेचर हो रखे हैं पहले के पता नहीं पहले के हो रखे हैं, पहले के वो है और मेसी के, रोनाल्डो के, और रेट पता क्या है 10,000 दिरहम, मतलब कि इंडियन रुपीज़ लाइक 2.5-2.5 लाख रुपए की एक टी शर्ट। यहाँ पे ना पार्किंग है, यहाँ पे बंदे पता क्या क्या मंगा रहे, रेंज रोवर, बुगाटी और बेंटले, रोल्स रॉयस, हम मंगाएंगे फोर्ड एज, हमारी फोर्ड एज आएगी, इतनी बड़ी गाड़ियों के बीच में एक हमारा डड्डू आएगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पहुंचे हैं दुबई आई की पार्किंग में, और यहाँ भी चल के करते हैं पैरासीलिंग या कुछ और भी एक दो एक्टिविटी कर लेते हैं, एक दो घंटे हैं जब दिन में, तो मैंने कहा कर लिया जाए, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो यार फिर जाके डुबकी मार देंगे पूल में भी, पता नहीं वहाँ पे पूल पे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 बजे बंद हो जाता है। हम पहुँच गए ऊपर, यहाँ पे शोर बहुत है, रुको ए अब आ रही है ना भाई सामने, ये भाई चलता नहीं होगा इसलिए खड़ा किया हुआ है, ये वैसे रियल है। हम जा रहे हैं पूछने के लिए वाटर एक्टिविटी क्या क्या है यहाँ पे, भाई धक्के खाई जा रहा हूँ, मतलब पूछने के लिए जा रहे हैं पैरासीलिंग, यहाँ पे ना मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा यार, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी है ना, क्योंकि अध नड़ंग दंग दंग नंगे बैठे हुए लोग, नंग धड़ंग लोग बैठे हुए हैं, तो ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। चलो भाई एंट्री हो गई है, अब हमने करनी है पैरासीलिंग मेन, तो इधर ही करेंगे, फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, आज कह रहे विंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए रिस्क थोड़ा अपना ही है। ओए होए ये भी हिल रहा है भाई, अब हम आ गए हैं बोट में, चप्पल यहीं पे छोड़ देंगे, फ़ोन भी यहीं पे छोड़ देंगे, वीडियो नहीं बन पाएगी। चलो भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं, पैरासीलिंग थोड़ी सी आगे की जाएगी, कह रहे आज विंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़ है, तो उड़ जाएंगे भाई बोट के साथ ही, सीधे इंडिया ही पहुँच जाएंगे उड़ते उड़ते। याद है आपको लास्ट टाइम मैं वहाँ पे पैदल आया था, वो वाली बिल्डिंग 80 फ्लोर की बिल्डिंग है वो, ये देखो सारा
जेट स्की वगैरह चला रहे हैं यार। चलो भाई ऊपर नीचे सेफ्टी बांध दी है यार, ये भी फील है, ये भी लेना था, लेकिन ये चीज वहां पे नहीं ले सकते थे उधर बुर्ज अल अरब के पास, क्योंकि यहाँ पे एक अलग फील है, हल्का हल्का खड़े तो हो ही सकते हैं, थोड़ा सा फील तो नहीं सकते खड़े होने का। अब मैं बिल्कुल फ्रंट से जा रहा हूँ यार, देखो ये ओए होए, वो देखो शिप कितनी प्यारी लग रही है यार, वो देख रहे हो, ओ भाई कितनी प्यारी लग रही है। फोन में ज्यादा यूज नहीं करूंगा, बस रख के चला जाऊंगा, एंजॉय करूंगा इस चीज को। धूप भी जा रही है तो जल्दी जल्दी मजे लेने आया था, यहाँ तो फोट के भी मजे आ गए भाई समुंदर के बीच में। एक दिन दिल है शिप में जरूर जाऊंगा, कभी ना कभी, पता नहीं कब। मना कर दिया कि फोन अपनी रिस्क पे लेके जाना, और मेरे पास मेरे वाला तो है नहीं, 15 है, तो भाई रख के जाऊंगा मैं, रिस्क नहीं ले सकता 15 दिन। ये पैरासिलिंग हो रही है, ऐसी कोई मेरी वीडियो बना देना भाई, स्वाद आ जाएगा, सिनेमैटिक शॉट बढ़िया आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पीछे का व्यू आपको आ रहा होगा ना, मजेदार है यार, अच्छा लग रहा है, मुझे इससे ज्यादा एक्सपीरियंस इसका हो गया, बढ़िया फुल दुबई का व्यू भाई। और वो खड़ी है शिप, देख लो 80 फ्लोर की बिल्डिंग है, और शिप देख लो कहां तक है, अगर आधी भी है तो 40 फ्लोर तो होंगे कम से कम, दूर से पता नहीं लग रहा इतना। देखो ये खुल रहा है, ओ भाई क्या बात है, बल्ले बल्ले करा देनी आज, ओए होए ओए, अभी तो मैं बैठा नहीं हूं इसमें, मेरे को यहीं से ही फीलिंग आ रही है पूरी। फील था भाई, फील ऊपर ऐसा लग रहा था बस सेटिस्फाइंग, भी थोड़ा सा ऊपर ही रखो, हम ज्यादा हाइट पे नहीं थे, 100 फीट पे होंगे, बट मजा आ गया था यार। ये देखो कितनी मुश्किल होता है इसको उतारना, ओए होए भाई, भाई पतंग को भी इतना तगड़ा खींचा नहीं मारता जितना इन्होंने मारा तेरी, देख रहे हो बनाना राइड कर रहे हैं भाई, इनको तो डर लग रहा है इस वक्त बहुत ज्यादा। ओ भाई चलो हम तो निकलते हैं अब यहाँ से, हाँ मैं यहाँ पे सिनेमैटिक में कर सकता हूँ, है ना, बाई चांस किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो मैं बोल दूंगा भाई तुम्हारी नहीं आ रही, तुम सारे ब्लर आ रहे हो, मैं ही फोकस में आ रहा हूँ, हाँ ऐसे कर सकता हूँ यार। बाल कितने गंदे लग रहे हैं, अब मेरे को गंदे लग रहे हैं बाल यार भाई, एक तो आ रही है मेरे को सुसू, ऊपर से हमने ले लिया ये ठंडा ठंडा, ठीक है अब बहुत तेज प्रेशर पड़ेगा। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, आधा पौना घंटा बैठ गए थे यहाँ पे, हमने कहा चलो आज कुछ ना दी फिर भी एक एक्टिविटी तो हो गई यहाँ पे। यहाँ पे पार्किंग देनी थी, यहाँ पे बस पार्किंग देके अब निकलते हैं। ये जो बीच की लेन है ना, ये है ओनली फॉर ट्राम, ये सिर्फ ट्राम के लिए है, ये बंदे वेट कर रहे हैं, ट्राम का स्टेशन आ गया, ये वाला स्टेशन है ट्राम का। हम पहुँच गए अपनी होटल की पार्किंग में, जल्दी चल रहे हैं, रेलो सुबह से लेके अब तक कुछ तो नहीं किया मैंने, और मैं अब जोर से बोल सकता हूँ भाई मैं नहाया सुबह से अब तक बिल्कुल भी नहीं नहाया भाई, चाल पता है मेरी टेढ़ी क्यों रखी है, मूत्र पूरा पीक पे है, पूरा पीक पे, खुल भाई खुल, अबे खुल यार, आज जल्दी एक बार में खुल जाते हैं, आज ही घंटा लगा दिया, मूत्र इधर ही जाएंगे यार हम, और कहीं नहीं जाएंगे। आज की एक्टिविटी जो सोची थी वो हुई नहीं, और जो नहीं सोची थी वो हो गई, तो ठीक है कोई बात नहीं,
लेकिन बढ़िया रहा आज का भी। मेरे साथ ऐसे होता है यार, जो मैं सोच के जाता हूँ ना कभी होता ही नहीं है, लेकिन अच्छा क्या दिमाग से चले आज हम, क्योंकि 2 घंटे के लिए यार क्या करते जाके। तो चलो कोई बात नहीं, कल सुबह निकल जाएंगे हम 8:30 बजे या 9 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि 9:30 ओपन हो जाता है, सुबह से ही चल जाएंगे वाटर पार्क में। तो बने रहना वीडियो में, कल की देख लेना, आज की तो खैर हो ही गई, कंप्लीट हो गई है। सच बताऊं भाई, मैं मेरे को अपने आप को ना अजीब सा लग रहा है। अब मैं सबसे पहले नहाऊंगा, ठीक है ना, बिना नहाए बड़ा अजीब सा लगता है यार, बाल भी अकड़े से पड़े हैं, खुद में भी स्मेल मारी जा रहा हूँ मैं। तो चलो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहना, मैं अपनी मेहनत करता रहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। कल की वीडियो मिस मत करना, कल बहुत ही जबरदस्त जावड़ वीडियो आने वाली है, ऑसम।